दोस्तों यहाँ पे एक और फिर से फर्जी ऐप आरबीआई एनबीएफसी अप्रूव्ड हुई। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो। मैंने एक वीडियो बनाया था काफी दिन पहले, करीब 15-20 दिन हो गए होंगे, डोज डिज नाम की एक फर्जी ऐप थी जो कि बाद में रजिस्टर्ड हो गई आरबीआई से। आरबीआई ने उसको अपना लाइसेंस दे दिया, एनबीएफसी अप्रूव्ड हो गई। उसकी एनबीएफसी का नाम खुद से था डोज डिज फाइनेंस लिमिटेड करके, ठीक है ना। मुझे मतलब लगभग यही नाम था, डोज डिज के नाम से ही एनबीएफसी थी, खुद के ही नाम से। अब यहाँ पे एक और ऐसी फर्जी ऐप निकल के आ रही है जो कि वो भी रजिस्टर्ड हो चुकी है आरबीआई से, आरबीआई ने उसको भी अपना लाइसेंस दे दिया है, उसकी भी एनबीएफसी डोज डिज फाइनेंस करके ही है। आखिर वो ऐप है कौन सी? अब ये आरबीआई ऐसा कर क्यों रहा है? अगर आपने उससे लोन ले लिया तो क्या होगा, या आपने अभी तक फर्जी ऐप समझ के उसे लूटा था तो अभी क्या होगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा। बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे अब आरबीआई ना जाने क्या कर रहा है, फर्जी एप्स को एनबीएफसी अप्रूव्ड कर रहा है, अपना लाइसेंस दे रहा है। तो चलिए यहाँ पे बकायदा प्रूफ के साथ आपको हर चीज शेयर करता हूँ, आपको यकीन हो जाए, आपको पता चल सके आखिर हो क्या रहा है। तो आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जो है ज्वाइन कर लीजिए। स्क्रीन पर लिख के आ रही होगी @vinaylb0, आप जो सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डायरेक्ट लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल को, आप जो है वहां से भी डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे बहुत सारी अपडेट्स ऐसी हैं जो हम यूट्यूब पे नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहां पे आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं, तो आप स्क्रीन पे देखिए। तो दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, डोज डिज फास्ट पर्सनल लोन ऐप, ये एक आरबीआई एनबीएफसी अप्रूव हो चुकी है, पहले ये फर्जी थी। डोज डिज एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, अभी इसके 5 लाख डाउनलोड है, रेटिंग भी बहुत अच्छी खासी है, 3.4 की दिखा रहा है। ये जो ऐप है ना, करीब 15-20 दिन पहले सिर्फ 1 लाख प्लस थी और आज इसके 5 लाख प्लस हो चुके हैं डाउनलोड्स में। खैर यहाँ पे आपको दिखा दूं, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए डोज डिज फाइनेंस के नाम से खुद की मेल आईडी भी है और इसकी अपनी खुद की वेबसाइट भी है, मैं आपको ये भी चेक करा देता हूँ और आप चेक कर सकते हो। और ये अभी 1 नवंबर 2022 को लॉन्च हुई है और इसने काम करना सही से 2023 की फरवरी से करना शुरू किया है, ठीक, और 21 अप्रैल के अपडेट के बाद से ये आरबीआई एनबीएफसी अप्रूव भी हो गई है, ठीक है ना। 21 अप्रैल का एक अपडेट आया था, उसके बाद ये एक अपडेट और आ चुका है 19 अप्रैल का। चलिए मैं आपको सीधे इसकी वेबसाइट दिखा देता हूँ। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, डोज डिज फाइनेंस .in करके इसकी वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से आप भैया लोन लेना या नहीं लेना वो आपके ऊपर है, कुल मिलाकर ये आरबीआई एनबीएफसी अप्रूव्ड है। इस पर क्लिक करोगे डायरेक्टली प्ले स्टोर पे लेके आ रहा है, जो मेरे मानक थे, मेल आईडी खुद के डोमेन से हो, प्ले स्टोर पे ऐप खुल के आनी चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए, तो सब चीजें यहाँ पे पूरी है। इसकी एनबीएफसी कौन सी है? डोज डिज एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपको एक बार अंदर दिखा देता हूँ, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है डोज डिज फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड नॉन बैंकिंग, ठीक है, एनबीएफसी ऑथराइज्ड बाय आरबीआई, ठीक है। अब यहाँ पे वो कौन सी ऐप है दूसरी जो अब इसी एनबीएफसी से रजिस्टर्ड हो गई है, चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ दोस्तों। वो है ये लोन ऐप कुल लुपी DOS लीज फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, डोज लीज फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। आप चेक कर लीजिए, इसके अभी 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड है, 1.37 की इसकी रेटिंग है। अब तो इस ऐप में जाएंगे, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये चीज हमको अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि जब इसमें डोज लीज लिख के आ रहा है तो भैया नीचे इन्होंने मेल आईडी में gmail.com क्यों लिखा है? चलो डोज लीज का तो समझ में आ गया, डोज लीज ने अपने सारे माना पूरे कर लिए, डोज लीज में खुद का डोमेन से उनकी मेल आईडी लिख के आ रही थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। डोज लीज की खुद की वेबसाइट भी थी लेकिन इसकी वेबसाइट है नहीं है, ये भी मैं आपके सामने चेक करता हूँ तभी क्लियर हो पाएगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने गूगल पे डाला कुल लुपी लोन है, तो यहाँ पे मुझे ऐसी कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि भैया ये अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डोज लीज का नाम लिया गया, क्योंकि डोज लीज एक एनबीएफसी है, ठीक है, तो उसका यहाँ केवल नाम यूज किया गया और यहाँ पे भी कहीं मेंशन नहीं किया गया है। तो जैसा कि डोज डिज को हम प्ले स्टोर में ओपन करते हैं, अवॉर्ड्स में जाते हैं, तो वहां पे जानकारी दी होती है कि कौन सी एनबीएफसी, अभी आपको मैंने दिखाया था डोज डिज करके लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई जानकारी नहीं है और यहाँ पे सिर्फ एक मेल आईडी है, कोई वेबसाइट भी नहीं है, तो फिलहाल ये फर्जी ऐप है अभी भी। हो सकता है कल को ये भी हो जाए क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डोज डिज लिखा हुआ है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि हो सकता है कि ये सच में इन्होंने जो है सिर्फ दिखाने के लिए लिख दिया है डोज डिज फाइनेंस करके, क्योंकि डोज डिज एक एनबीएफसी है ताकि इसका नाम यूज कर सके, या सच में कल को हो भी सकती है, क्योंकि पहले डोज डिज के साथ भी यही था कि नीचे सिर्फ डोज डिज लिख के आता था लेकिन तब तक वो रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों बाद वो रजिस्टर्ड हो गई। तो अभी फिलहाल तो ये फर्जी है क्योंकि जीमेल लिखा हुआ है, कोई वेबसाइट भी नहीं है। जिस दिन ये आरबीआई एनबीएफसी अप्रूव होगी, अगर लाइसेंस दे दिया आरबीआई ने, अभी तक नहीं दिया है, तो इसकी खुद की वेबसाइट ही बन जाएगी, ईमेल आईडी भी खुद के डोमेन से बन जाएगी, सब कुछ बन जाएगा और फिर उसको हम नहीं रोक सकते। तो फिलहाल अभी नहीं है। बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था इस कुल लुपी के बारे में कि सर क्या ये डोज डिज की तरह आरबीआई अप्रूव्ड है,
इससे हम पैसा निकाल सकते हैं नहीं, तो मैं इसीलिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि फिलहाल अभी नहीं है और मुझे उम्मीद नहीं है कि ना ये आगे चल के हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है इन्होंने सिर्फ डोजलीज का नाम यूज किया है, क्योंकि डोजलीज अब एक एनबीएफसी अप्रूव्ड है। बहुत सी जो फर्जी कंपनियां करती हैं, लिख देती है क्रेजी बी, एसआई ग्रेवा, पूनावाला फिनकॉर्प, आदित्य बिरला ग्रुप, ऐसी एनबीएफसी का नाम लिखते हैं जबकि उसका उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ नाम यूज करते हैं। मैं अगर अपने नाम के आगे अंबानी लगा लूं तो मैं कोई अंबानी तरह अमीर नहीं हो जाऊंगा, ठीक है ना, तो ये आपको पहचानना होगा। तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ नाम यूज किया जबकि उसका उससे एनबीएफसी से कोई मतलब नहीं है। उम्मीद है पूरी बात समझ गए होगी। तो दोस्तों इसके अलावा आपके साथ फर्जी लोन आपने कोई भी दिक्कत की है, कोई परेशानी है, कोई ऑडियो वीडियो कोई प्रूफ है, कुछ मुझे बताना चाहते हैं तो मुझे इसमें कॉल करके बता सकते हैं। और आप कंप्लेंट जरूर कराएं, साइबर क्राइम में सच पोर्टल में बहुत जरूरी है, और चैनल पे आके इंटरव्यू जरूर दें ताकि आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, किसी भी कंपनी ने किया है, चाहे फ्रॉड हो चाहे एनबीएफसी कंपनी हो, हम उसको पूरा एक्सपोज करेंगे, उसकी पूरी बखिया उधड़ेंगे, यहाँ पे यही किया जाता है और आपकी पूरी हेल्प भी आएगी। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में आप पूरा वो बताएं, ठीक है। दोस्तों चलता हूँ, जाने से पहले हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।